कोरोना संक्रमण देश भर में फैला है। सोलन भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय त्योहारों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। सोलन भी इससे अछूता नहीं रहा है। विभिन्न तरह के नियम भी कोरोना वायरस से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सोलन की जनता को सुझाए गए हैं। ये नियम किसी भी हालत में ना टूटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर दिवाली पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और कानून व्यवस्था भी कायम रहे, इसको लेकर सोलन पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा रणनीति बना ली गई है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने मीडिया को दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सोलन में त्योहार के इस मौके पर क्षेत्र में अमन शांति कायम रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी विभिन्न टीमें दिन रात शहर की गश्त करेंगी और अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं और अपने वाहन पार्किंग स्थलों में ही पार्क करें और कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जिला सोलन पुलिस जो है, जो दिवाली के दौरान जो फेस्टिवल है, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे थाना स्तर पे, चौकी स्तर पे और जिला स्तर पे हमारी जो टीमें होंगी वो बिल्कुल मुस्तैद रहेंगी, हमारी गाड़ियां मुस्तैद रहेंगी और जहां कहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम तुरंत उसमें एक्शन करेंगे। उसके लिए हमारे पास वाहन होंगे, हमारा जो त्वरित जो बल होंगे, जो हमने ड्यूटीज डिप्लॉय की होंगी उसके लिए 24/7 के लिए, वो तुरंत उस पर एकदम से एक्शन करेंगे और जो भी हमारे से सहायता होगी हम सहायता उपलब्ध करवाएंगे। उसमें हम अतिरिक्त पुलिस बल जो है इसके लिए पेट्रोलिंग के लिए तैनात करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। लोगों से ये है कि अपने वाहनों को एक तो ठीक जगह पे पार्क करें, जहाँ पे चिन्हित स्थान है वहीं पार्क करें और जो बाजार में जहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहाँ पे ना जाएं। अगर वहाँ पे जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।